तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मजदूर को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज संसद में लगातार दूसरे दिन विपक्ष ने मोदी सरकार को बढ़ती महंगाई, पेट्रोल के बढ़ते दामों पर घेरा। किस तरह से हमला बोला कांग्रेस ने, आइए सुनते हैं। जो ये मोदी सरकार पांच राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और किरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी, ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था। तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल की दाम बढ़ाए, गैस की दाम बढ़ाए, यहां तक कि गरीबों के लिए जो किरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है, इसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना ये कोशिश हमारी है, इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और आज बोल में दो मुद्दे आपके सामने हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार दूसरे दिन भी बढ़ गए हैं दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल भी यानी कि तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों के बाद अगले एक महीने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए और तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ गए। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत मिली है, लिहाजा पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ने ही हैं। मुद्दा नंबर दो, पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र। दोस्तों बीरभूम में जो हुआ है ना वो कल्पना से भी परे है। 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है बॉम्ब हमले में, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। बदले की कार्रवाई में क्योंकि टीएमसी के एक कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया था, मगर बच्चों और औरतों से प्रतिशोध, उसकी हम चर्चा करेंगे और कटघरे में होंगी ये शख्स ममता बनर्जी। मगर सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां, लगातार दूसरे दिन 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इत्तेफाकन आज मैडम स्मृति ईरानी का जन्मदिन भी है। जी हां, वो स्मृति ईरानी जिन्होंने ये ट्वीट किया था 2014 से पहले कि कांग्रेस की सरकार को आम आदमी की कोई परवाह नहीं है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए मोहतरमा को किस तरह से सिलेंडर लेके बैठी हैं। स्मृति जी अब पूरी तरह से गायब हैं और गायब होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए स्मृति जी वैसे तो बहुत ही जोरदार अंदाज में अपनी बात रखते हैं, मगर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर औरतों के साथ जुल्म करने का आरोप लगता है तभी खामोश रहती हैं। 3 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार का आरोप, खामोश रही स्मृति ईरानी। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद वो वीडियो सामने उभर कर आया था कि लड़कियों का, बच्चियों का यौन उत्पीड़न कर रहे थे, मैडम खामोश। हाथरस में रातों रात बिटिया का शव जला दिया गया था, मगर स्मृति जी खामोश। स्मृति जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके इस जन्मदिन पर ईश्वर आपको साहस दे, आपको शक्ति दे, ताकि आप औरतों के मुद्दों को उठा सकें। पेट्रोल और डीजल के दामों पर बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार जो 2 दिन से बढ़ रहे हैं, उसके बाद 4 मेट्रोज में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 1 पैसे, डीजल 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर। मुंबई जो कि देश की वित्तीय राजधानी है, वहां पर पेट्रोल के दाम है 111 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम है 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल के दाम है 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम है 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। और अगर हम चेन्नई की बात करें तो यहां पर पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 91 पैसे और डीजल की बात करें तो 92 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर।
दोस्तों, महंगाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और इसकी वजह को आपको समझना पड़ेगा। यूक्रेन और रशिया में जो संघर्ष चल रहा है उसके असली परिणाम तो अभी हमने देखे भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कच्चे तेल के दाम जो हैं रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। अभी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में और आग आनी है, क्योंकि दिसंबर तक कोई चुनाव नहीं है। दिसंबर को गुजरात और हिमाचल के चुनाव होंगे और मैं दावा कर सकता हूं कि उससे एक या दो महीने पहले पेट्रोल के दाम फिर कम कर दिए जाएंगे। मगर यूक्रेन और रशिया के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसका असर पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ेगा, और चूंकि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होंगे उसका असर मुद्रास्फीति महंगाई पर पड़ेगा, और जैसे ही महंगाई पर असर पड़ेगा तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके दाम लगातार बढ़ जाएंगे। कल ही आपको याद होगा एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ गए, दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, फल और सब्जियों के दाम कुछ ही दिनों में बढ़ने वाले हैं। मगर क्या आम इंसान को कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई नहीं। आम इंसान का ध्यान भटकाने के लिए तो सरकार ने न्यूज चैनल्स बनाए हुए हैं ना, क्योंकि प्राइम टाइम में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जहरीले डिबेट्स देखकर ही तो हम इन जरूरी मुद्दों से अपना ध्यान हटा सकते हैं। यह वो देश है जहां किसानों को रौंद कर एक नेता का बेटा निकल जाता है, उसे बेल मिल जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस एक कमजोर केस पेश करती है, और फिर जब पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं तो सबसे आगे वाली पंक्ति पर उस आदमी का पिता अजय मिश्रा टेनी हमारे गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे देखे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस के एफआईआर में इस शख्स अजय मिश्रा टेनी का नाम भी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि साजिश के तहत अजय मिश्रा टेनी ने किसानों पर निशाना साधा, अपने बेटे के साथ साजिश की। मगर आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को अपनी भड़ास निकालने के लिए कश्मीर फाइल्स है, एक ऐसी फिल्म जो कश्मीर का अधूरा सत्य पेश करती है और उसके जरिए मुसलमानों को टारगेट करने का एक और जरिया मिल गया अब लोगों को। तो जब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीजें होंगी तो महंगाई की तरफ आपका ध्यान क्यों जाएगा? बताइए, महंगाई की तरफ कब से आपका ध्यान जाने लग गया? एनीवेज, स्मृति जी एक बार फिर जन्मदिन मुबारक, और जैसे मैंने कहा ईश्वर आपको हिम्मत दे देश से जुड़े मुद्दे उठाने की अब जबकि आप सत्ता में हैं तब भी। और आज का दूसरा मुद्दा दोस्तों पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, मुद्दा बहुत खौफनाक है दोस्तों। बहादुर शेख टीएमसी का एक नेता, उसकी हत्या हो जाती है और फिर बीरभूम जिले का ये गांव जहां पर बॉम्ब से हमला किया जाता है, मकानों में आग लग जाती है और इस आग में 8 लोगों की मौत होती है जिसमें अधिकतर औरतें और बच्चे शामिल थे। ममता बनर्जी का बयान देखिए, वो हमला बोल रही हैं जगदीप धनकर पर जो कि पश्चिम बंगाल की राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जगदीप धनकर जो बयान दे रहे हैं उन्हें देने की जरूरत नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं। मैं आपकी पूरी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जगदीप धनकर राज्यपाल कम बीजेपी के नेता ज्यादा हैं, मगर मैडम ये आपकी प्रतिक्रिया है, आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, आप यह प्रतिक्रिया दे रही हैं कि जगदीप धनकर जो बयान दे रहे हैं वो गैर वाजिब है, गैर जरूरी है। उस हमले को हुए 36 घंटे हो चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई सलीके का बयान नहीं आया। ममता बनर्जी का ट्विटर हैंडल देखिए, बिहार दिवस की शुभकामनाएं दे रही थी कल वो, मगर जो बीरभूम में हुआ उसमें एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, कहा भी तो जगदीप धनकर की आलोचना करते हुए। वैसे जगदीप धनकर क्या कह रहे थे सुनिए। कंसिडरेबली पेंड एंड डिस्टर्ब्ड एट द हॉरिफाइंग बार्बरिटी एट रामपुर हाट that according to the DGP has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. I have emphasized on several occasions
that we cannot allow the state to be synonymous with violence culture and lawlessness. यही नहीं, आपके स्क्रीन पर शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर लगातार गिरता जा रहा है. सीधा सा प्रश्न, ममता बनर्जी विपक्ष की नेता बनना चाहती हैं, देश की अगली प्रधानमंत्री भी बनना चाहती हैं. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान वो अखिलेश यादव के साथ दिख रही थी. मैं समझना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात क्यों हो गए कि इस तरह की हिंसा वहां पर हो रही है. सबसे शॉकिंग बात यह है कि आप इन स्क्रीनशॉट्स में देखिए, तृणमूल कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया नहीं. डेरेक ओब्रायन संसद में थे, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे थे, महंगाई के मुद्दे को लेकर वो उठा रहे थे मुद्दा, मगर इस मुद्दे पर खामोश. अभिषेक बैनर्जी मुद्दे पर खामोश. होली की मुबारकबाद दे रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, जो कि सांसद हैं और ममता बैनर्जी के रिश्तेदार भी हैं. आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि बीरभूम में जो हुआ है वो 2022 में हो रहा है, ये 1980 या 1970 में नहीं हो रहा है. मैं यही तो समझना चाहता हूं कि क्या कोई आम इंसान की जान की कीमत नहीं है कि इतनी बड़ी घटना वहां पर हो गई. ममता बनर्जी यकीनन कटघरे में हैं और उन्हें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. मैं आपको बता दूं, मामला बहुत गंभीर हो गया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, जैसा कि खबर कह रही है. यही नहीं, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में धारा 355 लागू कर दी जानी चाहिए और वहां हालात बेकाबू हो गए हैं. मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है. मंत्री फिरहाद हकीम के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की 2 सदस्यीय टीम जो है वो बीरभूम चली गई है मामले की जांच करने. 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर और सर्कल इंस्पेक्टर, दोनों रामपुर हाट के हैं, दोनों निलंबित कर दिया गया है. और इसके अलावा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया है जो कि मामले की जांच करेगी. और यह कौन सी टीम है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं. इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी सीआईडी ज्ञानवंत सिंह है, एडीजी वेस्टर्न जोन संजय सिंह है और डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑप्स मीराज खालिद हैं. ये तमाम लोग जो हैं उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया है और इस मामले की जांच की जाएगी. मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को संबोधित करेंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दाग उनके गवर्नेंस पर है. बतौर मुख्यमंत्री उन पर सवाल है कि पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा आखिर कैसे हो सकती है. बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.